हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज जो आपकी मॉडल वर्ब है वो है मस्ट। तो पहले आपको ये समझना है मस्ट के लिए कि मस्ट के साथ ग्रामर पॉइंट क्या है। दूसरा आपने समझना है कि जो मस्ट की सिचुएशन है, यानी वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिनके लिए आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट की जो ग्रामर पॉइंट है वो देखिए कि मस्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। जब हम मस्ट के साथ, यानी मस्ट से जब हम कोई एक्टिव वॉइस बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मस्ट चूंकि मेन मॉडल वर्ब है, यानी मस्ट के साथ आप हैव नहीं लगाएं। जो मस्ट अपना मूल रूप है उसमें आप मस्ट के साथ हमेशा वी वन का यूज करेंगे एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब आप इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे तब आपने क्या करना होगा कि ऑब्जेक्ट को आगे ले लेंगे और सब्जेक्ट जो होगा वो बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस के लास्ट में होगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है, मैंने पैसिव वॉइस में भी ये बताया था कि अगर कोई मॉडल वर्ब अपने मूल रूप में होती है तो उसका पैसिव वॉइस आप बी लगा करके बनाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहां जो मस्ट का पैसिव वॉइस बनाएंगे वो मस्ट बी प्लस वी थ्री, यानी इसके साथ आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तीसरी जो कंडीशन है वो देखिए कि जब हमें सेंटेंस में वर्ब नहीं होती, यानी कोई कंप्लीट वर्ब नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में नाउन या एडजेक्टिव जब सेंटेंस में होता है तो उसमें होना के सेंस में इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में आपने बी फॉर्म को लेना है। देखिए यहां आपने जो बी लिया ये पैसिव वॉइस के लिए था, तो इसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहां जो आप बी ले रहे हैं ये होना के सेंस में लेंगे, और यहां सेंट ये तभी होगा जब आपके पास सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा और नाउन या एडजेक्टिव होगा, तो उस नाउन या एडजेक्टिव के होना के सेंस में इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में आपको बी फॉर्म को लेना है। चौथी कंडीशन है कि जब हम मस्ट से काम के कंटिन्यूटी का बोध कराते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया कि कोई भी मॉडल वर्ब होगी तो बी प्लस डी फोर का आप यूज करेंगे। हाँ, अगर उस मॉडल वर्ब के साथ में हैव यूज किया जाता है तो हैव बीन प्लस डी फोर का यूज करेंगे। तो यहां मॉडल वर्ब मस्ट है तो आप क्या करेंगे कि मस्ट के साथ बी प्लस डी फोर का यूज करेंगे। तो ये वो चार स्ट्रक्चर्स हैं। अमूमन आप लोग जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्हीं चार फॉर्म में अपन देखते चले आ रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से ये सारी चीजें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि ग्रामर पॉइंट क्या है। यहां सबसे बड़ी बात बचती है कि जो मस्ट की सिचुएशन है वो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। देखिए आप जिसको इस सिचुएशन को आप जितने अच्छे से समझ लेंगे, ये आपके दिमाग में जितने अच्छे से बैठ जाएगी, आप मस्ट को उतने अच्छे से यूज कर पाएंगे। फर्स्ट सिचुएशन है कि मस्ट का यूज हम गेस करने के लिए करते हैं, यानी अगर आप किसी भी बात का, व्यक्ति का अनुमान लगा रहे हैं तो उस अनुमान लगाने के लिए आप मस्ट का यूज करते हैं। देखिए इस सिचुएशन के लिए हम शुड का भी यूज करते हैं। जैसे मैंने यहां ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस आप देखिए, सेंटेंस है आपके सामने कि ही शुड या मस्ट रीच हियर सून। तो सेंटेंस में आपको क्लियर पता लग रहा होगा कि यहां हम शुड का भी यूज कर सकते हैं और मस्ट का भी। अंतर क्या है फिर? देखिए इन तीनों कंडीशन में, गेस करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए और एडवाइस करने के लिए, इन तीनों ही कंडीशन के लिए आप मस्ट का यूज करते हैं, पर यहां शुड का भी यूज कर सकते हैं। फिर अंतर क्या होगा कि शुड का यूज करेंगे तो कब करेंगे और मस्ट का कब करेंगे? तो जो शुड का यूज होता है उसी को एम्फेसाइज करने के लिए। बात आ रही समझ में? अगर आपने शुड को एम्फेसाइज करना है, जैसे सामान्य कंडीशन है आपने अनुमान लगाया, और अगर अनुमान के रूप में भी आप ये कहना चाहें कि ये जरूर होगा, समझ में आया कि नहीं, तो इस कंडीशन के लिए आप मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ड्यूटी करते हैं, जैसे देखिए कि वी शुड लव अवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री से प्रेम करना चाहिए, समझ आया कि नहीं। लेकिन अगर बात आप जरूर वाली करते हैं कि हमें अपनी कंट्री से जरूर प्रेम करना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपने शुड को एम्फेसाइज किया और उसके लिए आपने शुड के प्लेस पे मस्ट का यूज करना है। तो बस इन तीनों में आपको वो बात याद रखनी है कि जब हम शुड को ज्यादा प्रभावकारी ढंग से बोलना चाहते हैं तब हम उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। लेकिन कहां? केवल इन तीन कंडीशन में, गेस करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए या किसी को एडवाइस देने के लिए, इन तीन कंडीशन में शुड का भी यूज होता है, लेकिन शुड को एम्फेसाइज करने के लिए आप मस्ट का यूज करते हैं।
तीनों कंडीशन एक एक करके देखिए। जैसे फर्स्ट है आपका गेस करना, आपने कह दिया कि ही शुड रीच हियर सून, वो यहां जल्दी आएगा। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि मस्ट रीच हियर सून, इसका मतलब वो जरूर जल्दी आएगा, समझ आया कि नहीं, वो जरूर यहां पहुंचेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आप ड्यूटी करने के लिए कहते हैं कि वी शुड लव अवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री से लव करना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मस्ट लव अवर कंट्री, इसका मतलब ये जरूर होना चाहिए, ये ड्यूटी है लेकिन ये जरूर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन में देखिए एडवाइस, अगर आप किसी को सलाह देते हैं, जैसे आपने कह दिया कि यू शुड सी अ डॉक्टर, यानी आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो ये सामने वाले के लिए एडवाइस हो गया। लेकिन अगर आपने मस्ट का यूज कर दिया, इसका मतलब आपको जरूर मिलना चाहिए, समझ में आया। तो बस ये थोड़ा सा अंतर है, आप इस डिफरेंस को यानी शुड और मस्ट के को अपने दिमाग में बनाइए। फिर दूसरा आपने क्या करना है कि अगर आपको सोचना है तो आपको ये नहीं सोचना कि गैस करने के लिए सोचना, ये नहीं कि अनुमान लगाने के लिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप अपने दिमाग में गैस करने के लिए मस्ट यूज करते हैं, ये बनाएंगे तो यूज कर पाएंगे, लेकिन अनुमान लगाने के लिए तो फिर वही ट्रांसलेट पे चले जाएं, ठीक है। तो गैस करने के लिए यूज करते हैं, ड्यूटी के लिए आप यूज करते हैं, बात आ रही समझ में। और तीसरी कंडीशन जो बताई, एडवाइस करने के लिए। चौथी कंडीशन देखिए कंपल्सन के लिए। कंपल्सन के लिए शायद आप लोगों को पता होगा, यानी शुड का यूज नहीं करना। इससे पहले मैंने आपको कंपल्सन के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बताए थे, उनमें आपको शायद याद होगा हैज टू और हैव टू का यूज हम कंपल्सन के लिए करते हैं, क्लियर। लेकिन उस हैज टू और हैव टू को एम्फेसाइज करने के लिए आपने उसके प्लेस पे मस्ट का यूज करना है। जैसे यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर, आपको अपने ऑफिसर को ओबे करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अगर आप हैव टू से कहते हैं तो यू हैव टू ओबे योर ऑफिसर, यानी आपको अपने ऑफिसर को ओबे करना है। तो जब आपके सामने कंपल्सन होता है तो ऐसी कंडीशन में आप हैव टू या हैव गॉट टू, इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा प्रभावकारी ढंग से इसको बताना चाहें, अपनी बात पे जोर देना चाहें, तो जरूर करना ही चाहिए, तो उस कंडीशन के लिए आपने इनके प्लेस पे मस्ट का यूज करना है। तो मेरे ख्याल से लगभग समझ में आ गया होगा कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिनके लिए मस्ट का यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने गैस करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए और एडवाइस करने के लिए, जहां हैज टू और हैव टू या हैव गॉट टू का यूज कंपल्सन के लिए करते हैं, उनके प्लेस पे यानी उनको एम्फेसाइज करने के लिए आप मस्ट का यूज करते हैं, क्लियर। चलिए अब इनका एक एक करके अगर आप सेंटेंस और देख लेंगे कि गैस करने के लिए किस तरीके से एक्टिव वॉइस, किस तरीके से पैसिव वॉइस, किस तरीके से नाउन या एडजेक्टिव आएगा। लेकिन इन तीनों चीजों को दिमाग में रखिए और कंपल्सन को आप अलग से रखिए। जैसे सेंटेंस है आपके सामने, तुम्हें 8 घंटे हार्डवर्क करना चाहिए, क्लियर। क्या करना चाहिए? 8 घंटे हार्डवर्क करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये आपने किसी व्यक्ति से बोला, इसका मतलब ये आपने उसके लिए एडवाइस दिया। अब अगर 8 घंटे हार्डवर्क करना चाहिए, इसका मतलब शुड हो गया, और तुम्हें 8 घंटे हार्डवर्क जरूर करना चाहिए, अगर आप ये कह देते हैं, इसका मतलब ये मस्ट हो गया। तो जब आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यू मस्ट, मस्ट के साथ मैंने बताया आपने जो मेन वर्ब होगी, आप उस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म, तो आपका हो जाएगा वर्क आर। तो ये हो गया आपका कि यू मस्ट वर्क आर्ट फॉर 8 आवर्स डे। तो इस तरीके से आपको अपने दिमाग में ये बनाना है कि हमें अगर सामने वाले को एडवाइस करना है, तो जब भी आपको लगे कि हम एडवाइस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के लिए आप शुड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये एडवाइस मुझे ज्यादा इम्फेटिक तरीके से बोलना है, तो आप उसके लिए मस्ट का यूज करेंगे, क्लियर। एक और सेंटेंस देखिए। देखिए कुछ सेंटेंसेस से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ये सारी चीजें किस तरीके से करनी है। जैसे
सेंटेंस है वह जरूर इस समय सो रही होगी। क्या हो गया ये सेंटेंस? ये सेंटेंस हो गया आपके लिए गैस करना। आपने किसी के लिए ये गैस किया कि वह जरूर इस समय सो रही होगी, लेकिन यहां काम क्या है? यहां काम की कंटिन्यूटी का बोध। वह जरूर इस समय सो रही होगी, ये अनुमान कैसा है? ये अनुमान ज्यादा प्रभावकारी है। वह इस समय सो रही होगी, ये सामान्य था। वह जरूर इस समय सो रही होगी, इसका मतलब क्या किया कि आपने जो गैस किया वो भी कैसा है? इम्पैटिक है। इसका मतलब आप इसमें मस्ट का यूज करेंगे, लेकिन मस्ट से काम के कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है, इसका मतलब मस्ट भी यूज करेंगे। तो क्या करेंगे कि सी मस्ट भी स्लीपिंग, क्लियर, इस समय एट दिस टाइम। तो बस इस तरीके से आपको पकड़ना है कि जो बात आप कह रहे हैं, अब आपको ये ट्रांसलेट नहीं करना। ये चीज आपके दिमाग में बनना चाहिए कि मस्ट का यूज हम एडवाइस करने के लिए करते हैं, मस्ट का यूज हम गैस करने के लिए करते हैं, और मस्ट का यूज आप ड्यूटी के लिए करते हैं। आप इनका यूज बार बार करिए, जिससे कि एक समय के बाद ये सोचकर ना हो। जब ये चीजें अपने आप से होने लगेंगी, इसका मतलब आप इनका यूज अच्छे से करने लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाँ, जब आप इन्हें मॉडल के रूप में पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से इनको समझना काफी कठिन हो जाता है। सेंटेंस आपके सामने कि वह लड़का जरूर तुम्हारा भाई होगा, ये क्या किया आपने? जब आप ये बात बोलेंगे किसी से कि वह लड़का जरूर तुम्हारा भाई होगा, इसका मतलब आपने गैस किया, आपने अनुमान लगाया, लेकिन जरूर लगा दिया, इसका मतलब ज्यादा प्रभावकारी ढंग से आप बता रहे हैं। यानी आपको ज्यादा लग रहा है कि ये निश्चित रूप से ये होना चाहिए, अनुमान जरूर है लेकिन ये ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप मस्ट का यूज करेंगे, लेकिन यहां मस्ट के लिए आपके पास कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब नाउन या एडजेक्टिव आया है तुम्हारा भाई। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे कि दिस बॉय, सॉरी, वह लड़का, दैट बॉय मस्ट बी, अब नाउन या एडजेक्टिव के रूप में यहां क्या आया है आपके पास? तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर। तो ये हो जाएगा आपका कि दैट बॉय मस्ट बी योर ब्रदर, वह लड़का जरूर तुम्हारा भाई होगा। अगला देखिए, उसे जरूर अरेस्ट किया जाना चाहिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि उसे अरेस्ट किया ही जाना चाहिए। बात एक ही है, यानी आपने क्या कर दिया कि आपने उसको इम्फेटिक बना दिया, उसे अरेस्ट किया ही जाना चाहिए। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, उसको इम्फेटिक बना दिया। निश्चित रूप से आप यहां गाय का यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे, लेकिन है क्या ये कि उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? शुड। और उसे अरेस्ट किया ही जाना चाहिए, इसका मतलब ये क्या हो गया? मस्ट। लेकिन ये दोनों के दोनों पैसिव हो गए, क्योंकि हम यहां ये नहीं बता रहे कि कौन के द्वारा, समझ आएगा नहीं? तो आप इसमें ऑब्जेक्ट जो है, चलिए जरूर करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है आप उसको फोकस कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप इसका पैसिव बनाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ही मस्ट बी अरेस्टेड। तो इस तरीके से आपको एक एक करके ये समझना है। पहले तो आप जो सेंस है वो समझिए कि यहां जो भी बात आ रही है वो बात किसके लिए है। नेक्स्ट देखिए, वह जरूर तुम्हारी शुभचिंतक होगी, यह कहके आपने क्या कर दिया? आपने क्या किया यहां? यह कहके आपने गैस किया, और लेकिन जो सेंटेंस में आया शुभचिंतक, वो क्या हो गया आपके लिए? कोई नाउन या एडजेक्टिव जब आता है तो उस कंडीशन में हम इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में बी लगाते हैं। तो निश्चित रूप से सी मस्ट बी योर वेल विशर,
वह जरूर तुम्हारी शुभचिंतक होगी। तो बस इस तरीके से आपने यूज करना है। पहले तो आप एक एक करके ये जो चारों के चारों जो स्ट्रक्चर हैं, आप इनको ये सोचिए, ये पॉइंट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, और ये सोच करके आपने बोलना है, जब तक कि आपसे ये सारे काम अपने आप से नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप इनका यूज करेंगे, धीमे धीमे लगातार इनका यूज करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से फिर ये भी चीजें आपके दिमाग से हट जाएंगी और आप इनका यूज बेझिझक कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। हिंदी अगर आप इसकी देखेंगे तो इसका जो सेंस निकलेगा वो निकलेगा हो आया हूं। अगर आप इसे पास्ट में ले जाएंगे तो निश्चित रूप से शायद आपको पता होगा कि यहां जो हैज बीन हैव बीन है, आप इस हैज बीन हैव बीन वाले प्लेस पे हैड बीन का यूज कर देंगे, ठीक उसी तरीके से ये बात कहां पहुंच जाएगी, हो आया था। लेकिन इस स्ट्रक्चर का यूज करने में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, यानी इस स्ट्रक्चर का इस तरीके से नहीं कि जैसे हमने बस केवल ये समझ लिया कि हो आया हूं, आपने केवल इस सेंस के लिए आपने इसको यूज कर दिया, तो जो इसके लिए थोड़ी सी सावधानियां हैं वो एक एक करके जरूर देख लीजिए। तो पहले तो किस टाइप के सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है वो एक देख लीजिए। जैसे जब आपने किसी से पूछा कि तुम दिल्ली कितनी बार हो आए, तो जब इस टाइप से अगर हम पूछते हैं तब भी हम परफेक्ट टेंस का यूज यानी प्लेस की जानकारी के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से उसे आपने यूज करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाएगा वो, और उसके बाद जो सेंटेंस में प्लेस आएगा आप उस प्लेस का यूज करेंगे। जैसे किस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चूंकि ये इंटरोगेटिव है तो कितनी बार के लिए आपने लगा दिया, हाउ मेनी टाइम्स। इसके बाद इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट और वर्ब इसका आप चेंज करेंगे, तो यू के अकॉर्डिंग आपने हैव लगाना है, तो ये हो गया आपका कि हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन, यानी ये बीन जो होगा अपने प्लेस पे रहेगा और हैज जब आगे आ जाएगा यहाँ इंटरोगेटिव में, तब ये क्या हो जाएगा कि हैज सब्जेक्ट बीन या हैव सब्जेक्ट बीन। तो वो यहां हो गया क्वेश्चन वर्ड अगर आएगा कितनी बार, तो आपने सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड को ले लिया, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। आफ्टर क्वेश्चन वर्ड आपने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या किया, आपने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में पलट दिया, तो वो हो गया आपका। इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट है और बीन आपने यूज कर दिया। इसके बाद जो भी सेंटेंस में प्लेस आएगा तो आप उस प्लेस को टू प्लस प्लेस के रूप में यूज करेंगे, तो टू टाइम्स। तो ऐसे टाइप से आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन टू दिल्ली, यानी ये आप ये पूछने के लिए करते हैं कि आप दिल्ली कितनी बार हो आए, यानी कोई भी जगह पे आप वहां कितनी बार हो आए। बात आ रही होगी समझ में, चलिए और देखते हैं। अब बात आती है कि इसकी जो थोड़ी सी जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो सावधानियां रखनी है, जैसे किस तरीके से, ये आपके सामने किसी ने क्वेश्चन पुट किया कि हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। अब जब आप इसका आंसर दें हैव यू एवर बीन टू दिल्ली,
तो इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट आंसर आप शॉर्ट में बनाना चाहें तो आप ये भी बना सकते हैं, यस आई हैव, हाँ मैं हो आया हूं, इसका भी सेंस यही निकलेगा, यस आई हैव मतलब हाँ मैं हो आया हूं। आप दूसरा भी इसका बना सकते थे, कंप्लीट बना सकते थे कि यस आई हैव बीन टू दिल्ली, कंप्लीट भी आप बना सकते थे कि यस आई हैव बीन टू दिल्ली। ये क्या हो गया कि हाँ मैं दिल्ली हो आया हूं। आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी टाइम्स कब आप यूज कर सकते हैं, वंस, ठीक है, उसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं कि ट्वाइस, यानी मैं एक बार हो आया हूं कि दो बार हो आया हूं, यानी आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। या ये हो सकता है कि हैव यू एवर बीन टू दिल्ली आपसे पूछा गया, आप ये कह सकते हैं कि साहब नहीं मैं दिल्ली नहीं हो आया हूं, तब आप यूज कर सकते हैं कि नो आई हैवंट, आप इसका भी यूज कर सकते हैं कि नहीं मैं दिल्ली नहीं हो आया हूं। या जैसे आपने ऊपर यूज किया कि यस आई हैव बीन टू दिल्ली, आप उसी तरीके से कह सकते हैं कि नो आई हैवंट बीन टू दिल्ली, आप यहां ये भी तो यूज कर सकते हैं, यानी जब आपका उत्तर नहीं में होगा। तब आप इस आंसर को भी दे सकते हैं। अब आपको यहां थोड़ी सी समझदारी इस बात में दिखानी है कि इसमें गलतियां क्या होती हैं। तो ये तो वो आंसर है जो आपके बनने चाहिए थे इसके, जब भी आपसे कोई पूछता है कि हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, लेकिन इसमें गलती क्या होती है वो आप देखिए, जब आप इस तरीके से यूज करते हैं, हमें क्या लगता है कि जिस तरीके से हमको क्वेश्चन किया गया कि हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, तब हमने उसी तरीके से आंसर दे दिया कि यस आई हैव एवर बीन टू दिल्ली। तो यहां थोड़ा सा जो मिस्टेक है, क्योंकि ये जो आपने आंसर दिया ये क्यों गलत है, ये आंसर आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां आपने एवर का यूज कर दिया। तो पहले तो आपने ये सावधानी रखनी है कि जो एवर वर्ड है, तो एवर इज नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड ओनली इन क्वेश्चन। जो एवर वर्ड है आप एवर वर्ड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में स्टेटमेंट के लिए नहीं कर सकते, सामान्य कथन में आप एवर का यूज नहीं कर सकते, एवर का यूज आप केवल कहां क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो इसलिए एक तो इसमें यह गलती है, फिर एक बात आती है कि क्या हम एवर का यूज क्वेश्चन में प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करते? तो जो एक्सेप्शन है आप उसको भी समझिए कि एवर का यूज आप कौन से एक्सेप्शन में करते हैं। एवर का यूज आप उस एक्सेप्शन में करते हैं व्हेन यू मेक अ सुपरलेटिव स्टेटमेंट, जब आप कोई सुपरलेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। वो स्टेटमेंट आपका किस तरीके से बनेगा वो भी आप देख लीजिए, जैसे आपने बोला कि बॉम्बे इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, तो ये आपका क्या हो गया, ये एक सुपरलेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब आप इसके बाद अगर जोड़ते हैं आई हैव एवर बीन, तो चूंकि सुपरलेटिव स्टेटमेंट में, ओनली इन सुपरलेटिव स्टेटमेंट, तो यहां आप कह सकते हैं कि आई हैव एवर बीन टू इन द वर्ल्ड, तो बस केवल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि जो एवर वर्ड है, एवर वर्ड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में स्टेटमेंट में आप इसका यूज नहीं करते हैं। ये सामान्य कंडीशन है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट में ही स्टेटमेंट के लिए आप एवर का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन क्या है, जब आप सुपरलेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि हैव यू एवर बीन टू बॉम्बे, तो आपने उत्तर दिया कि यस बॉम्बे इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी आई हैव एवर बीन टू इन द वर्ल्ड, तो इस स्टेटमेंट के लिए यानी सुपरलेटिव स्टेटमेंट के लिए आप एवर वर्ड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं। तो एक तो पहली जो गलती उसके लिए ये होती है, यानी इस स्ट्रक्चर में, कि जो हम एवर का यूज करते हैं तो इसके एवर का यूज आपने आंसर में नहीं करना। हाँ, अगर आप सुपरलेटिव स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप इसका यूज कर भी सकते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी ने आपसे पूछा है कि हैव यू एवर बीन टू दिल्ली,
आपने उसका उत्तर दूसरे तरीके से कैसे दे दिया वो देखिए। आई हैव बीन टू दिल्ली इन 2012। अगर आप ये आंसर दे दें, आपसे यही तो पूछा गया था कि क्या आप दिल्ली हो आए, आपने उत्तर दे दिया कि आई हैव बीन टू दिल्ली इन 2012, कि हाँ मैं 2012 में दिल्ली को आया हूं, तो ये भी एक रॉन्ग आंसर होगा। आप इस स्ट्रक्चर से वैन का आंसर नहीं दे सकते, समझ में आया कि नहीं? आप इस स्ट्रक्चर से वैन का आंसर नहीं दे सकते, इसका मतलब ये सेंटेंस भी आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा। आप इसका उत्तर जैसे सामान्य कंडीशन में आपको वही देना चाहिए था, अगर आपको टाइम बताना है तो उसके लिए आप पास्ट सिंपल का यूज करेंगे, न कि इस स्ट्रक्चर का। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप कभी दिल्ली हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप बोलें कि यस आई हैव बीन टू दिल्ली, इतना आंसर तो इस बात का हो गया कि हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे इससे बढ़कर आगे थोड़ा और बताना चाहिए, तब आप क्या बताएंगे कि आई वेंट देयर, लेकिन इसके लिए आपने पास्ट सिंपल का ही यूज करना है, इन 2012। तब आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि यस आई हैव बीन टू दिल्ली, हाँ मैं दिल्ली हो आया हूं, आई वेंट देयर इन 2012, यानी मैं वहां 2012 में गया था। बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से आपको इस स्ट्रक्चर के साथ जो थोड़ी सी सावधानियां हैं, वो दूसरी बात कि अगर आपका नेम ऑफ प्लेस आता है उसी के लिए, यानी अगर आप नेम ऑफ प्लेस यूज करते हैं तभी आप टू का यूज करें। अगर आप नेम ऑफ प्लेस यूज नहीं करते तब आपने उसके लिए टू का यूज नहीं करना है। तो बस ये थोड़ी सी सावधानी है, अगर आप इनका यूज करते हैं तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज बड़े आसानी से कर पाएंगे। स्ट्रक्चर आपका बड़ा सिंपल है, यानी जो परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर है, बस इसमें क्या करना होता है कि हैज बीन हैव बीन के बाद जो वहां आप वर्ब थर्ड का यूज करते थे उसके प्लेस पे यहां आपके पास कोई एक प्लेस होगा, चाहे वो सिटी होगा, चाहे वो कंट्री होगा, चाहे वो कोई विलेज होगा, यानी वो आपके पास जो नेम ऑफ ए प्लेस होगा आप उस नेम ऑफ प्लेस को टू करके आपको वहां पुट करना है, और बस इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। इसमें जो थोड़ी सी सावधानी वाली बात है वो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको एवर वर्ड को यूज करने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, यानी एवर वर्ड का यूज आप प्रेजेंट परफेक्ट में स्टेटमेंट के लिए नहीं करते, लेकिन अगर आप सुपरलेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तब उस सिचुएशन के लिए आप एवर का यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है आपके सामने कि मैं आपके साथ नहीं आया हूं क्योंकि मैं पहले ही वहां हो आया हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी सामान्य सी बात है कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि आई विल नॉट एकम्पनी यू, विल नॉट को आप शॉर्ट में यूज कर सकते हैं वॉन्ट के रूप में। तब आप ये करेंगे कि आई वॉन्ट एकम्पनी यू, यानी मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, ये बड़ी सामान्य सी बात हो गई जिसके लिए आपने इसको यूज करना है। आगे देखिए क्योंकि, बिकॉज, ठीक है, मैं पहले ही वहां हो आया हूं, तब आप क्या करेंगे कि आई हैव Already been, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वहां हो आया हूं तो वहां के लिए आपने नेम ऑफ प्लेस यूज नहीं किया, उस कंडीशन के लिए आप यहां टू का यूज भी नहीं करेंगे, तब आपने करना है कि यस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन देयर, ये नहीं कि आप यहां टू देयर का यूज करने लगे। तो बस ये थोड़ी सी सावधानियां रखिए, दोनों सेंटेंस का आप अच्छे से यूज करिए। फर्स्ट आया आपका मस्ट था, मस्ट के लिए जो कंडीशन थी आपने वो कंडीशन अच्छे से, यानी अगर आप गेस करते हैं, अगर आप ड्यूटी बताते हैं,
गेस करने के लिए भी आप इसका यूज करते हैं, ड्यूटी के लिए भी और एडवाइस के लिए। कंपल्सन के लिए ये किसको इम्पेसाइज करता है, जो हैव टू या हैव गॉट टू होता है उसको ये इम्पेसाइज करता है। दूसरी आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस टू प्लस नेम ऑफ अ प्लेस, आप इसका भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको इस बात से कि एक तो आप इसके साथ टाइम नहीं बता सकते। अगर आपने टाइम बताना है कि कब, आपको अगर वेन का या आंसर देना है तो उसके लिए आप पास्ट सिंपल का यूज करेंगे, एक तो इस बात से सावधानी रखनी है, और दूसरी जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वो एवर वर्ड को यूज करते हुए रखना है। तीसरा जो टू, अगर आपको नेम ऑफ प्लेस मिलता है तो उसके लिए आप टू का यूज जरूर करें। ओके।